बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए जामुन के शरबत की बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी लेके आए हूँ। इंशाल्लाह आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े का ये बनता है, तो इस रेसिपी को आपने कम्प्लीट देखना है। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन एक पाव के करीब यानी 250 ग्राम मेरे पास जामुन है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको एक पैन के अंदर ऐड कर देना है, और यहाँ पे इसमें हम 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें हमने तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो चीनी ऐड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें चीनी को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करना है, ठीक है। और 1/4 टीस्पून ही हमें इसमें वाइट नमक यानी सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे। ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है, और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे, जब तक कि हमारे जामुन जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं और बिल्कुल इस शेप में ना आ जाएं। उसके बाद आपने पोटैटो मैशर की मदद से इसके ऊपर से अच्छे से प्रेस करना है, और जितने भी जामुन हैं आपने कोशिश करना है इनको जो इनका ऊपर वाला हिस्सा है वो गुठली से बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छे से हो चुका है, इसको हम यहाँ पे क्या करना है अब स्टेन कर लेना है, ठीक है। आपने किसी भी स्टेनर की मदद से इसको अच्छे से जो है वो स्टेन कर लेना है, और बाकी ये जो रह जाएगा ऊपर वाला पार्ट इसको हमने दोबारा से अच्छे से प्रेस करना है, और इसका हमने यहाँ पे जो है वो रस निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जामुन का शरबत जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सर्व कर लेंगे। एक ग्लास के अंदर हमने कुछ आइस क्यूब डाले हैं और एक लेमन का स्लाइस इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला हमारा जामुन का शरबत तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को जो है वो जामुन पसंद नहीं होते, इससे इसको खाने के बाद मुंह अंदर से ड्राई हो जाता है। तो आप इसका शरबत बना सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।